दोस्तों कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरीज होती हैं जिन्हें देखने के बाद हम इनकी सीजन 2 का इंतजार बेसब्री से करते हैं और हमारे दिमाग में यह हमेशा से ही चलता रहता है कि आखिरकार इसकी सीजन 2 कब रिलीज होगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिनकी सीजन 2 बहुत जल्द रिलीज की जा रही है। लेकिन दोस्तों इन वेब सीरीज की फाइनल रिलीज डेट दी नहीं गई है, लेकिन दोस्तों इन सभी सीरीज की सीजन 2 अनाउंस कर दी गई है और सीजन 3 भी अनाउंस कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, ये काली काली आंखें सीजन 2। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है विक्रांत से, जो कि अपने पत्नी से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहता है और लास्ट तक वो अपने पत्नी से छुटकारा पाने में किस तरह कामयाब होता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी सीजन 2 में। सीजन 2 रिलीज की जा रही है 2023 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9, रंगबाज फिर से सीजन 4। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में एक्चुअल में एक रियल लाइफ को ही दिखाने की कोशिश की जाती है, यानी कि रियल लाइफ गैंगस्टर को ही दिखाने की कोशिश की जाती है। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस सीरीज में जो भी घटनाएं दिखाई जाती है वो पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित होती है और सीजन 4 में आप फिर से एक नए गैंगस्टर के लाइफ को देख पाएंगे। इसे भी रिलीज की जा रही है 2023 में, वो भी Zee5 पर। नंबर 8, दुरंगा सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है इरा से, जो कि इस बार जान चुकी है कि उसके पति एक कातिल हैं। लेकिन इरा लास्ट तक अपने पति को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी सीजन 2 में। सीजन 2 रिलीज की जा रही है 2023 में, वो भी Zee5 पर। नंबर 7, आर्या सीजन 3। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस बार सीजन 3 में आप माधुरी दीक्षित को देख पाएंगे। सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसी औरत से जो कि अपनी फैमिली के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देती है और इस सीरीज को रिलीज की जा रही है 2023 में, वो भी डिज्नी हॉटस्टार पर। नंबर 6, ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 3। सीरीज बेस्ड है क्राइम मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन की स्टोरी एक्चुअल में मिस्ट्रीस ही रख दी गई थी सीजन 2 में, लेकिन इस बार सीजन 3 में कुछ अनोखी ही स्टोरी लेकर आने की कोशिश कर रही है ब्रीथ और इस बार देखते हैं कि अभिषेक बच्चन हमें नया क्या प्रेजेंट करते हैं। सीरीज रिलीज की जा रही है 2023 में, वो भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। नंबर 5, मुंबई डायरीज सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सीरीज एक्चुअल मुंबई 24/11 के घटना को दिखाती है और वहाँ पर डॉक्टर्स किस तरह पेशेंट्स को लेकर परेशान रहते हैं ये भी इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार फिर से मुंबई डायरीज में एक नए केस को दिखाने की कोशिश की जाएगी और असल में ये केस क्या है ये फिलहाल अभी तक रिवील नहीं की गई है। सीरीज रिलीज की जा रही है 2023 में, वो भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। नंबर 4, द फैमिली मैन सीजन 3। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है श्रीकांत से, लेकिन सीजन 3 में फिर से श्रीकांत को एक नए मिशन पर भेजा जाता है और उस नए मिशन को वो किस तरह कामयाब करते हैं ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। फाइनली इसकी सीजन 3 का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। सीजन 3 रिलीज की जा रही है अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वो भी 2023 में। नंबर 3, महारानी सीजन 3। सीरीज बेस्ड है पॉलिटिकल ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है महारानी से, लेकिन सीजन 2 में महारानी एक्चुअल में जेल पहुंच जाती है। लेकिन महारानी जेल से किस तरह बाहर निकलती है और जेल से बाहर निकलने के बाद वो अपने पति का बदला लेने में कामयाब होती है या फिर नहीं होती है, ये सारी की सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी सीजन 3 में। सीजन 3 रिलीज की जा रही है सोनी लिव पर, वो भी 2023 में। नंबर 2, पाताल लोक सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस बार फिर से हाथी सिंह जो कि एक नए केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं और इस नए केस को वो किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की जा रही है अमेज़न प्राइम वीडियो पर और इसे रिलीज की जा रही है 2023 में। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे मिर्जापुर सीजन 3। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालीन भाई अभी भी जिंदा है, लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि कालीन भाई क्या सुधर जाते हैं या फिर कालीन भाई गैंगस्टर ही रहते हैं। और सुना जा रहा है कि इस बार कालीन भाई के कैरेक्टर को थोड़ा डिफरेंट लुक दिया गया है, वो डिफरेंट चीज असल में क्या है ये तो हमें इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की जा रही है अमेज़न प्राइम वीडियो पर और इसे रिलीज की जा रही है 2023 में। तो दोस्तों उम्मीद करता कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी वेब सीरीज रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे नए चैनल बाबू एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।